हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर सेशन। आई एम योर जॉब गाइड। हमेशा याद रखे, सक्सेस के लिए आईक्यू से ज्यादा जरूरी है नई स्किल्स सीखना। एल बी रेडी टू अपडेट योरसेल्फ। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि जिन पेशवरों का आईक्यू लेवल हाई होता है वे अपने करियर में अधिक सफल होते हैं, जबकि कई शोधों से यह पता चलता है कि जिनका आईक्यू लेवल अपेक्षाकृत कम है वे असफल ही होंगे या फिर एक सफल जीवन नहीं जी पाएंगे। यह जरूरी नहीं है। रिसर्च पब्लिशर फ्रंटियर्स के एक शोध पत्र के मुताबिक, यदि आप एक्सट्रोवर्ट, फ्रेंडली, कॉन्फिडेंट हैं और नए अनुभव लेने में रुचि रखते हैं तो आप कम आईक्यू लेवल के साथ भी सफलता तक पहुंच सकते हैं। लॉजन यूनिवर्सिटी स्विट्जरलैंड के प्रोफेसर जॉन एंटोनाकिस के मुताबिक, इंटेलिजेंस की आधुनिक परिभाषा सीखने की क्षमता है, यानी कि आप जितने नए कौशल सीखते हैं उतना ही आपका करियर ग्रो करता है। एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के एक शोध, नो लिंक टू हैप्पीनेस एंड इंटेलिजेंस के मुताबिक, नई लर्निंग से भी से वे सारे फैसले लिए जा सकते हैं जिनमें अधिक आईक्यू से मदद मिलती है। इसलिए सफलता सिर्फ आईक्यू पर निर्भर है। इस सोच से आगे बढ़ने का समय है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी टुडे न्यू हायरिंग ट्रेंड। टेक्नोलॉजी के विस्तार से पारंपरिक नौकरियां पिछड़ रही हैं, जबकि तकनीक से जुड़े जॉब्स में बढ़ोतरी हो रही है। वित्त वर्ष 2022 में भारत में अकेले आईटी सेक्टर ने ही 4.5 लाख नई हायरिंग्स की। हालांकि इन नौकरियों में उन पेशेवरों को प्राथमिकता दी गई जिनके पास डिग्री के अतिरिक्त स्किल्स थे। अब कंपनियां जॉब के लिए डिग्री के साथ साथ एक्स्ट्रा स्किल्स वाले पेशेवरों को हायर करना अधिक पसंद कर रहे हैं। रिक्रूटमेंट एजेंसी monster.com के सर्वे के मुताबिक, अगले 5 साल में जॉब रेडी बनने के लिए 40% भारतीयों को रीस्किलिंग की आवश्यकता होगी, वहीं 60% पेशेवरों को अपस्किलिंग की जरूरत होगी। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि अपस्किलिंग व रिस्किलिंग क्या है। जब कोई प्रोफेशनल अपनी मौजूदा नौकरी से संबंधित नई स्किल सीखता है तो उसे अपस्किलिंग कहते हैं। वहीं अगर कोई कंपनी टेक्नोलॉजी या किसी अन्य वजह से कार्यशैली में बदलाव करती है और अपने कर्मचारियों को उसी अनुसार नई स्किल सिखाती है तो उसे रिस्किलिंग कहते हैं। डिजिटल मार्केटिंग की मांग सबसे अधिक। monster.com रिपोर्ट के मुताबिक, आने वाले वर्षों में टॉप 5 क्षेत्रों बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस, BFSI, IT, रिटेल, हेल्थ केयर और प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग में नौकरी के लिए अपस्किलिंग व रिस्किलिंग की जरूरत होगी। वर्तमान में SEO व डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स की मांग सबसे अधिक है। इसके बाद डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, AI, साइबर सिक्योरिटी व ब्लॉकचेन की स्किल्स की मांग सबसे अधिक है। सभी फील्ड के लिए अलग अलग है अपस्किलिंग से संबंधित कोर्स। अपस्किलिंग को इस उदाहरण से समझिए, मान लीजिए आप टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हैं तो आपको ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़े सभी टूल सीखने होंगे ताकि जरूरत पड़ने पर छात्रों को ऑनलाइन पढ़ा सकें। उदाहरण के तौर पर वीडियो क्लास कैसे रिकॉर्ड करें, छात्रों के लिए ऑनलाइन नोट्स कैसे तैयार करें आदि। ऐसे ही यदि आप नर्सिंग फील्ड से हैं तो पेन मैनेजमेंट, वुंड असेसमेंट, ड्रग्स मैनेजमेंट जैसे कोर्स आपके करियर को आगे बढ़ाने में मददगार साबित हो सकते हैं। रिस्किलिंग के लिए अधिकांश कंपनियां खुद ही करती हैं प्रशिक्षित। अपने कर्मचारियों की रिस्किलिंग के लिए कंपनियां खुद ही ट्रेनिंग कराती हैं। ऐसा करने पर उन्हें नई हायरिंग नहीं करनी पड़ती। हालांकि कई कंपनियां पुराने कर्मचारियों की छंटनी करके नई हायरिंग भी करती हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप अपने जॉब प्रोफाइल से जुड़ी नई स्किल्स खुद ही सीख लें। इससे आपकी नौकरी सुरक्षित रहेगी। इसके अलावा आप अपने जॉब प्रोफाइल से जुड़े नए कोर्स टेक प्लेटफॉर्म, IIT, IIM जैसे विभिन्न संस्थानों से कर सकते हैं। अगले 5 सालों में 60% पेशावरी को सीखनी होगी नई स्किल और 40% को होगी रिस्किलिंग की जरूरत। सो बी रेडी टू योर ब्राइट करियर। मिशन हेल्प अपग्रेड योर नॉलेज विद एस्ट्रोटेक लैब। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकॉन फॉर नेक्स्ट अलर्ट। सी यू सून इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।